एक और जिले में स्वाइन फ्लू अपना कहर ढा रहा है, वहीं जिले के कई गांव आज भी एएनएम के पद के रिक्त के चलते इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। फतेहगढ़ उपखंड से 6 किलोमीटर दूर भियासर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले 6 माह से लटका है ताला। उपचार के लिए ग्रामीण उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना महज एक दिखावा बनकर रह गया है। भियासर गांव के ग्रामीणों की अपनी अलग ही पीड़ा है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने गांव में 10 साल पहले नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला था, लेकिन यहां ग्रामीणों का दुर्भाग्य रहा कि लाखों रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर 6 महीने से ताला लटका हुआ है। ग्रामीण उपचार के लिए झोला छाप की शरण लेने को मजबूर है। गाँव में आपातकालीन स्थिति में समय पर मिलने वाली चिकित्सा सुविधा की संभावना क्षीण होती जा रही है। यूं तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा सुविधा का लाभ ना मिलने पर सभी ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन फिर भी यहां सबसे अधिक गरीब परिवारों को बीमारी भारी पड़ रही है। विभाग के मनमानी होने से मरीजों को फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना किसी मुश्किल से कम नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी फिर भी स्वास्थ्य विभाग उप स्वास्थ्य केंद्र की सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गाँव में 6 माह से उप स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है। स्वाइन फ्लू जैसे बीमारी का दौर चल रहा है, ग्रामीण मजबूरन होकर नीम हकीमों के पास जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग व जनप्रतिनिधियों को अवगत करवा दिया गया है, मगर हमारे गांव की कोई सुध-बुध नहीं ले रहे हैं। सर, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें 6 महीने से पद रिक्त पड़ा है, कोई एएनएम नहीं है और गाँव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ से झोला साफ डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ रहा है और यहाँ दूर बहुत दूर जैसलमेर जाना पड़ता है और बाकी फतेहगढ़ में झोला छाप के लिए लोगों को मजबूरन जाना पड़ रहा है। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और यहाँ से 6 महीने से पद रिक्त पड़ा है। हमने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कई बार अवगत भी करवा दिया, जनप्रतिनिधियों को अवगत करवा दिया, उसके बावजूद भी हमारे गाँव मतलब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं चिकित्सा विभाग वाले, और कई बार इनको कहने के बावजूद भी चिकित्सा विभाग ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यहाँ की छोटी मोटी बीमारियों के लिए मजबूरन लोग नीम हकीमों के पास पहुँच रहे हैं। छोटी छोटी बीमारी, अब स्वाइन फ्लू का कर चल रहा है, इसमें कई लोग इस गांव में खांसी उल्टी दस्त की जैसी बीमारियों के लक्षण दिख रहे हैं, मगर करें क्या, यहाँ एएनएम का पद रिक्त पड़ा 6 महीने से। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।